हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जैस्मिन मैम, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। ओके, जैस्मिन बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है बेटा। इस चैनल पर आपको बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की टॉपिक वाइज डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी, ताकि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को इजीली से क्रैक कर पाए। ठीक है बेटा? आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा? और टॉपिक है बेटा लाइफ स्पैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये बेटा हमारा आज का चैप्टर है। और टॉपिक है बेटा आज का हमारा लाइफ स्पैन। फर्स्ट टॉपिक जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा लाइफ स्पैन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लाइफ स्पैन? बताइए भाई, लाइफ स्पैन क्या है? ठीक है, तो आप ये कहोगे बेटा, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, ठीक है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है बेटा, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, सो टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। आपको लाइफ स्पैन क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। लाइफ स्पैन क्या है? आप कहोगे एक टाइम पीरियड जो बर्थ से स्टार्ट हो रहा है और डेथ तक की है। तो बर्थ से डेथ का या डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ स्पैन। आपको लाइफ स्पैन तो बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड फाइव स्टेजेस। बेटा एनिमल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन में कुल कितनी स्टेजेस होती हैं बेटा? फाइव। फाइव स्टेजेस आर देयर। अभी बेटा हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, वो आपको एनिमल का बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली फेज वो है बेटा बर्थ। सबसे पहली फेज कौन सी है? बर्थ। ठीक है, बर्थ का मतलब क्या है? बीइंग बॉर्न। बर्थ मीन्स बीइंग बॉर्न। बीइंग बॉर्न का मतलब क्या है बेटा? जब किसी बच्चे का जन्म होता है और वो अपनी मदर की बॉडी से बाहर आता है, उस पूरे टाइम को हम लोग बोलते हैं बर्थ। हम लोग लिख सकते हैं कमिंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, कमिंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। ठीक है,
क्लियर हुआ आपको बर्थ? ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज है लाइफ स्पैन की बर्थ। अब दूसरी फेज की बात करते हैं, दूसरी बेटा फेज है जुवेनाइल। ठीक है, जुवेनाइल को हम लोग और क्या बोलते हैं भाई? जुवेनाइल को हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग फेज। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोइंग फेज। एक वो फेज जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डेवलप हो रही है, सो उस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? जुवेनाइल फेज। ठीक है, चलिए लिखते हैं, ऑर्गेनिज्म डेवलप द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, सो पहली फेज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बर्थ। लाइफ स्पैन की सबसे फर्स्ट फेज है बर्थ। बर्थ का मतलब क्या है बेटा? बीइंग बॉर्न। ये एक वो फेज है जिसमें चाइल्ड अपनी मदर की बॉडी से बाहर आता है, उसका जन्म होता है, उस फेज को हम बर्थ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट फेज है बेटा जुवेनाइल। जुवेनाइल फेज को हम लोग ग्रोइंग फेज बोलते हैं, इसमें बच्चा जो है बेटा ग्रो करता है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है बेटा, वो डेवलप होती है। सो दो फेजेस आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट फेज, थर्ड फेज है बेटा मैच्योरिटी फेज। ठीक है, अब मैच्योरिटी फेज क्या है? तो देखिए भाई, मैच्योरिटी फेज को हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन बिगिंस ड्यूरिंग दिस फेज। इतना क्लियर है आप सबको? ओके, नेक्स्ट फोर्थ फेज है बेटा हमारी एजिंग एंड सेनेसेंस। अब भाई ये क्या है, इसको समझो बहुत अच्छे से। देखो भाई, सेनेसेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा लॉस ऑफ सेल पावर ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ। मतलब ये है बेटा लॉस ऑफ सेल पावर ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ। सेनेसेंस बेटा एक वो फेज है जिसमें सेल की डिवाइड करने की जो पावर है बेटा वो कम हो जाती है, सेल की जो ग्रोइंग पावर है वो भी कम हो जाती है, और उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेनेसेंस। ठीक है, एजिंग क्या होता है भाई वो भी समझेंगे हम। हमें एक एक वर्ड समझना है, एक एक वर्ड। ठीक है, सो देखो भाई एजिंग क्या है। एजिंग एक वो टाइम पीरियड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बेटा बूढ़ा हो जाता है और उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो लॉस हो जाती है। उस टाइम पीरियड को, उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एजिंग। ठीक है, जिसमें बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो कम होने लग जाते हैं। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एजिंग कौन सी फेज है जिसमें बॉडी के फंक्शंस जो है, बायोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो डिक्लाइन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं बेटा एजिंग के लिए?
इट इज अ टाइम, इट इज द टाइम व्हेन ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्डर एंड लॉसेस द रिप्रोडक्टिव, लॉसेस द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्लियर है बच्चों? एजिंग की सबसे बड़ी डेफिनेशन, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, इसको हम एजिंग बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक वो टाइम जिसमें ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, उसकी बॉडी की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उस फेज को भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एजिंग। एंड एजिंग लीड्स टू सेनेसेस, एजिंग लीड्स टू सेनेसेस। क्लियर है बेटा? एंड लास्ट फेज इज कॉल्ड डेथ। लास्ट फेज क्या है बेटा? डेथ। अब डेथ क्या है समझो भाई इसको भी। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं बेटा, जब वो सारे फंक्शंस परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, उस समय उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सो लास्ट फेज इज कॉल्ड डेथ। लाइफ स्पैन की सबसे लास्ट फेज है बेटा डेथ, जिसमें ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस आर गॉन स्टॉप, बॉडी में होने वाली जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो भी बेटा हो जाते हैं स्टॉप। ठीक है, क्लियर है? सो फर्स्ट फेज इज बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है उस फेज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? उस फेज को हम लोग बोलते हैं बर्थ। ठीक है, क्लियर? बर्थ के बाद जो नेक्स्ट फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जुवेनाइल फेज। ठीक है, थर्ड फेज है बेटा हमारी मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज वो फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, सो इसीलिए हम मैच्योरिटी फेज को रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। देन आफ्टर एजिंग, जब उस ऑर्गेनिज्म के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में परफॉर्म होने वाले बायोलॉजिकल फंक्शंस धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बूढ़ा होने लग जाता है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है बेटा, उस फेज को हम लोग बोलते हैं एजिंग। एंड देन एजिंग लीड्स टू सेनेसेस, मींस सेल की जो डिवाइडिंग पावर है, सेल की जो ग्रोइंग पावर है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है बेटा, उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेनेसेस। एंड व्हेन ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर गॉन स्टॉप, सो लास्ट फेज इज कॉल्ड डेथ। डेथ एक वो फेज है जिसमें बॉडी में होने वाली जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं बेटा स्टॉप, सो लास्ट फेज इज कॉल्ड डेथ। सो आपने फाइव फेजेस पढ़ी, ठीक है, लाइफ स्पैन में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स की फेजेस। अभी हमने जितनी भी लाइफ स्पैन की फेजेस पढ़ी है वो एनिमल की पढ़ी है, अब हम किसकी पढ़ेंगे बेटा? प्लांट की। इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है, सो प्लांट के केस में बेटा सबसे बड़ी फेज होती है और उस फेज को हम लोग बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। प्लांट की ग्रोथ कब स्टार्ट होती है? कैसे पता चलता है प्लांट का जन्म हो रहा है? जब सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सो इस फेज को हम लोग बर्थ भी बोल सकते हैं प्लांट का। ठीक है, फर्स्ट फेज इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सेकेंड फेज क्या है बेटा? वेजिटेटिव फेज। अब वेजिटेटिव फेज क्या है बेटा?
व्हेन रूट स्टेम्स एंड लीफ अपीयर, जब प्लांट में हमें जर्मिनेशन के बाद छोटों सी रूट, छोटों से स्टेम और छोटों से लीव्स दिखना स्टार्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे उनका साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ लीव्स जनरेट हो जाती हैं, बेटा उस पूरी फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. सो लिखिए, इट इज अ फेज व्हेन रूट स्टेम एंड लीफ अपीयर्स एंड स्टार्ट ग्रोइंग. ठीक है. सो जब रूट स्टेम और लीफ अपीयर हो जाती है, उनके साइज में इंक्रीमेंट होता है, नंबर ऑफ लीव्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टेम में ग्रोथ होती है, रूट में ग्रोथ होती है, बेटा उस पूरे प्लांट के फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज. ठीक है. नेक्स्ट फेज है बेटा रिप्रोडक्टिव फेज. नेक्स्ट फेज है रिप्रोडक्टिव फेज. सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फेज बेटा? जैसे ही प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्लावरिंग. ठीक है. सो प्लांट में कौन सी फेज डेवलप हो जाती है? रिप्रोडक्टिव फेज. बिकॉज यू नो वेरी वेल फ्लावर कंटेन मेल एज वेल एज फीमेल गैमेट्स. ठीक है. कुछ फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं क्योंकि वो मेल और फीमेल दोनों गैमेट कंटेन करते हैं. ठीक है. कुछ फ्लावर कैसे होते हैं बेटा? आप कहोगे वन मिनट. हाँ. सो फ्लावर्स बेटे बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक होता बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर. सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या हो सकता है? यूनिसेक्सुअल में दो तरह के फ्लावर आते हैं. या तो आते हैं बेटा पिस्टिलेट फ्लावर या तो आते हैं स्टेमिनेट फ्लावर. पिस्टिलेट का मतलब क्या है? फ्लावर कंटेन ओनली फीमेल पार्ट. फ्लावर कंटेन ओनली फीमेल पार्ट. ठीक है. और स्टेमिनेट का मतलब क्या है बेटा? फ्लावर कंटेन ओनली मेल पार्ट. दोनों में से कोई एक एक पार्ट. अगर फ्लावर में स्टैमिन्स प्रेजेंट है सो वी कॉल इट स्टैमिनेट फ्लावर. इफ फ्लावर कंटेन पिस्टिल और गाइनोशियम वी कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर. ठीक है. अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? बाइसेक्सुअल की. बाइसेक्सुअल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आप कहोगे हर्माफ्रोडाइट. क्या बोलते बेटा? हर्माफ्रोडाइट मींस बोथ गैमेट्स आर प्रेजेंट. फ्लावर में दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है. ठीक है. सो फ्लावर कैसा होगा बेटा? बाइसेक्सुअल. फ्लावर में सिर्फ मेल गैमेट होगी तो स्टेमिनेट फ्लावर. फ्लावर में सिर्फ फीमेल गैमेट होगी सो फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर. रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब यह है कि जब प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो, आइदर यूनि सेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल. फ्लावरिंग अगर स्टार्ट हो गई है प्लांट्स में सो उस फेज को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्लांट. ठीक है. तीन फेजेस पढ़ ली हमने. हमने बर्थ पढ़ लिया. बर्थ कब होता है प्लांट का? जब सीड जर्मिनेट करता है. वेजिटेटिव फेज का मतलब क्या है? जब सीड जर्मिनेशन के बाद रूट स्टेम्स और लीफ अपियर हो जाती हैं, स्टार्ट कर देती हैं बेटा ग्रो करना, उस फेज को हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं.
Then reproductive phase, when flowering start in plant is called reproductive phase. Flowers are of two types, unisexual or bisexual. ठीक है, if flower contain only female part, we call it pistillate flower. If flower contain only male part, we call it staminate flower. Clear है? What is the mean by bisexual flower? बेटा bisexual का मतलब है flower में दोनों gametes हैं, male as well as female. So उस flower को हम लोग क्या कहेंगे? Bisexual flower. So तीन phases बेटा हमारी बहुत अच्छे से clear हो गई हैं. अब next phase हमारी है reproductive phase के बाद. So next phase है बेटा हमारी senescence. सेनेसिस का मतलब है एजिंग. सेम प्रोसेस जो आपने ऊपर अभी पढ़ा. ठीक है, लीफ फॉल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, लीफ फॉल का मतलब क्या है बेटा? पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, न्यू लीफ अपीयर नहीं होती है. क्योंकि अभी आपने पढ़ा सेनेसिस में क्या होता है, लॉस ऑफ सेल पावर ऑफ डिवीजन, लॉस ऑफ सेल पावर ऑफ डिवीजन एंड ग्रोथ. सो जब बेटा सेल डिवाइड ही नहीं करेंगी, उनकी डिवाइड करने की जो पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनमें ग्रोथ कम होती जा रही है, पत्तियां टूट के गिरेगी और जो प्लांट है वो बुश बुश में कन्वर्ट हो जाएगा, झाड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, so this phase is called senescence and senescence leads to death. ठीक है, stop all metabolic processes, stop all metabolic processes. प्लांट में जितने भी metabolic processes हो रहे थे वो सारे बेटा हो गए stop और उस phase को हमने क्या नाम दे दिया? सो फाइव फेजेस आपने इसमें पढ़ी है. फर्स्ट फेज इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन, सेकंड फेज इज कॉल्ड वेजिटेटिव, थर्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव, फोर्थ इज कॉल्ड सेनेसिस एंड फिफ्थ इज कॉल्ड डेथ. ठीक है, आपको इतना समझ में आया बहुत अच्छे से? चलो भाई अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. देखो भाई, सबसे छोटा लाइफ स्पैन, स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन, सबसे छोटा लाइफ स्पैन किसका है बेटा? मेफ्लाई. किसका है? मेफ्लाई. मेफ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो 24 आवर्स है, या फिर आप बोल सकते हो वन डे का है. ठीक है, मतलब बेटा इसका जितने भी पांच फेजेस आपने पढ़ी हैं, बर्थ, juvenile, reproductive, aging, death, all phases are complete in one single day or in 24 hours. ठीक है, so सबसे छोटा life span है बेटा may fly का. ठीक है, next अगर आपसे पूछे crow का life span क्या है तो आप क्या बताओगे बेटा? 15 years. ठीक है, टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन क्या है? हंड्रेड टू 150 इयर्स, 150 साल. ठीक है, डॉग का लाइफ स्पैन क्या है बेटा? ये तो आपको जरूर पता होगा, 10 to 30 इयर्स. ठीक है, सबसे बड़ा लाइफ स्पैन किसका है? बैनियन ट्री का, 200 से 300 साल बेटा. ठीक है, अभी तक तो इतना ही देखा गया. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बैनियन ट्री है सबसे ज्यादा टाइम पीरियड कंटेन करने वाला. बट बेटा कैलिफोर्निया में एक प्लांट है जिसका नाम है शिकुआ, इसको हम लोग रेड वुड ट्री भी बोलते हैं, रेड वुड ट्री. ठीक है,
और बेटा इसका लाइफ स्पैन सुन लो 3000 to 4000 years। सो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन और आपको चार ऑप्शन दिए जाए बैनियन ट्री, टॉर्टोइस, क्रोडॉग, सो आपका आंसर होगा बैनियन ट्री। बट बेटा अगर ऑप्शन में बैनियन ट्री के साथ आपको शिकवा प्लांट दिया जाए तब आपका आंसर होगा शिकवा ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडवुड ट्री। कहाँ है बेटा? कैलिफोर्निया। ठीक है, क्लियर है? सो बेटा ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन। सो बताइए बेटा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है? ठीक है, सब कहोगे एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यंग वंस का फॉर्मेशन कर रहा है, वो भी अपने जैसा, सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, सब लिखोगे अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस को ही बेटा हम लोग ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, प्रोजेनी बोल सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिड बोल सकते हैं, सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है सर, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म यंग वंस का फॉर्मेशन करता है, वो भी अपने जैसे। ठीक है, क्लियर है? और एक बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन है बेटा, बहुत बढ़िया सी, एक ही बार में आपको पूरा डाउट रिप्रोडक्शन और क्लियर हो जाएगा। सुनिए, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग्स। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वंस का प्रोडक्शन करता है, और इसी एबिलिटी को बेटा हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ बहुत बढ़िया तरीके से व्हाट इज रिप्रोडक्शन? चलो भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो बताइए भाई, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो बुक्स में बेटा मोस्टली दिया होता है कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और बोला जाता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कम्स अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट मैं आपको तीनों बताऊंगी। हालांकि वेजिटेटिव आता है एसेक्सुअल में, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है वो हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे उसको बहुत अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
हो सकता है आपने आज तक इसको डिटेल में ना पढ़ा हो, बट आज तो बेटा हम इसको जरूर पढ़ेंगे। इजी बहुत है, ठीक है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? देखो भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन प्लांट्स। ये आपको किसमें देखने को मिलेगा? प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में भी बेटा किसमें देखने को मिलेगा? आप कहोगे थैलोफाइटा, रायोफाइटा, ठीक है। इन दोनों में आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। थैलोफाइटा में बेटा कौन आता है? थैलोफाइटा में आती है एल्गीज, ठीक है। और ब्रायोफाइटा की एग्जाम्पल रिक्शिया, मार्केंशिया, ये सब बेटा हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके भी एग्जाम्पल और ये इनके भी एग्जाम्पल है, मार्केंशिया, ये सब बेटा आते हैं ब्रायोफाइट में, ठीक है। सो अब हम जानते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, ठीक है। सब लिखोगे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ देखिए बेटा, सो हम लोग पढ़े थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होती, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करें, सो मैंने आपको अभी बताया रूट, स्टेम एंड लीफ, इन तीनों में से किसी भी पार्ट से, प्लांट के पार्ट से जब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, सो उस रिप्रोडक्शन को बेसिकली बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ आपको? सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली क्या ऑलवेज पाया जाता है बेटा प्लांट्स में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होती, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट, स्टेम्स एंड लीफ, ठीक है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइट्स में आती है बेटा एल्गीज, ब्रायोफाइट्स में आते हैं रिक्शिया, मार्केंशिया, इन सभी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखो भाई, सेकेंड है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है भाई? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन या इज अ प्रोसेस इन विच एंड
इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। सो आपने एक चीज कॉमन देखी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट स्टेम एंड लीफ, उसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सो कौन से प्रोसेसेस के थ्रू परफॉर्म होगा? तो सबसे पहला है बेटा इसमें फिशन, सेकंड है बेटा बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सो बेटा इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरी चीज आप कुछ कॉमन पॉइंट नोट कर लेते हैं जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होती, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोला गया बेटा? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। बेटा जब गैमिट्स बनेंगी नहीं तो इन्वॉल्व कैसे होंगी? इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि गोनेट्स ही नहीं होते बेटा। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा? क्लोन्स। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा, मैडम व्हाट इज क्लोन्स, क्लोन्स क्या होते हैं? सो आप कहोगे क्लोन्स क्या होते हैं भाई? तो देखिए क्लोन्स की डेफिनेशन, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स। बेटा क्लोन्स वो होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली और जेनेटिकली मतलब डीएनए लेवल पे, जीन लेवल पे बिल्कुल हू बहू अपने पेरेंट जैसे होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन्स। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बेटा किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लोन्स की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स की यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रैमेट। क्या बोलते हैं? रैमेट, ठीक है, क्लियर है। तीन पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहला पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यूनिपेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है बेटा, ठीक है। क्लोन्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन्स, ठीक है। यहां तक आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट, और देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब बेटा गैमिट्स नहीं है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सो आप लिख सकते हो नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, नो
fertilization takes place? ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी की सोमैटिक सेल, प्लांट बॉडी की सोमैटिक सेल्स एक्ट करती हैं एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. सोमैटिक सेल्स एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव, एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. मतलब जैसे पेरेंट सेल है बेटा, टू ए नेचर है उसका, मतलब क्रोमोसोम जो है वो डिप्लोइड है. प्लांट सेल कैसी बेटा? डिप्लोइड. और सोमैटिक सेल में एक ही तरह की सेल डिवीजन होती है और उस सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस. और आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी माइटोसिस होगी सो एक से दो सेल का फॉर्मेशन होगा. पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम होगा. ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस. और माइटोसिस ही बेटा परफॉर्म होती है सोमैटिक सेल्स में. सो जिन भी प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वही एक्ट करती हैं एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. ठीक है, लास्ट, ये कैसा प्रोसेस है बेटा? अब जब गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है सो फर्टिलाइजेशन होने का भी कोई दिक्कत नहीं है. सो ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट प्रोसेस. ठीक है, क्लियर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फास्ट प्रोसेस. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको बहुत अच्छे से? एग्जाम्पल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें किसमें होता है भाई? लोअर एनिमल्स में होता है. और बेटा लोअर प्लांट्स में होता है, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था पीछे, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, कुछ फंगाई में भी होता है, सम प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरिया आल्सो इंक्लूडेड. इन सभी में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है. ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, तो एसेक्सुअल तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है सेक्स, मतलब गैमेट सेल्स आर इन्वॉल्व इन इट. गैमेट्स को हम लोग सेक्स सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो क्या लिखोगे आप? अ प्रोसेस इन विच गैमेट्स आर इन्वॉल्व. ठीक है, गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट टेक्स प्लेस. So, अब आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर देयर. ठीक है, टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, मेल गैमेट को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म. और बेटा फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम. ठीक है, सो अगला स्टेप फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, समझ में आया? अब इसका डायग्राम भी देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको. देखो भाई, सपोज हमारे पास दो गैमेट्स हैं, ये है स्पर्म. ठीक है, ये है बेटा ओवम. दोनों ही हैप्लॉयड है,
क्योंकि गैमेटिक सेल से बेटा मियोसिस होती है, ठीक है। अब दोनों गैमेट्स बेटा क्लोज कांटेक्ट में आएंगी कुछ इस तरीके से। बेटा जब दो गैमेट्स क्लोज कांटेक्ट में आती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। और फ्यूज करके बेटा वो बनाती हैं जायगोट, हैप्लोइड, हैप्लोइड फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल एंड दिस डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जायगोट एंड ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या परफॉर्म होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो आप देखोगे ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। एसेक्सुअल में अभी आपने पढ़ा क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं और इसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि दो तरह की बेटा गैमेट्स इन्वॉल्व हो रही है। इसीलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाई पेरेंटल भी बोलते हैं बिकॉज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट बाई पेरेंटल, ठीक है, क्लियर है। दूसरा जर्म सेल या कह सकते हैं गैमेटिक सेल्स गैमेटिक सेल्स एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, सो जर्म सेल्स एक्ट करते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट क्योंकि बेटा जब इनमें मियोसिस होती है तभी जाके स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर गैमेट्स फ्यूज करती हैं तो जायगोट बनता है, तो ये बेटा एक तरह का स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल फास्ट है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने को मिलेगा आपको, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है, एंड अदर लाइफ फॉर्म्स में भी आपको मिलेगा लाइक फंगाई, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। सो अदर लाइफ फॉर्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ या प्रोटेस्टर, ठीक है, क्लियर है। सो बेटा आई होप आपको बहुत अच्छे से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तीन टाइप के हमने रिप्रोडक्शन पढ़े, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको मेरी आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेटा सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो बेटा मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, बाय बाय, सी यू सून।